नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बतलाया था कि 29 जनवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसकी हिमायत मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमें और दिगर इदारों ने भी की है। जैसा कि हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी ने भी एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन्होंने 29 जनवरी को भारत बंद के ऐलान की हिमायत की है और लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस भारत बंद को कामयाब बनाए। मुल्क की तकरीबन छोटी बड़ी 35 पार्टियों की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया है और अभी मुल्क की मशहूर मारूफ शख्सियत फकीहुल इस्लाम हजरत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने भी एक वीडियो पैगाम में इसकी अहमियत को बतलाया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। मेरी तमाम भाइयों और देशवासियों से अपील है कि कल 29 जनवरी को CAA और NRC के खिलाफ जो बंद मनाया जा रहा है, सब लोग उसको तकवीत पहुंचाएं, उसकी तायीद करें, अपनी दुकानों को और अपने कारोबार को बंद रखें, क्योंकि ये जुल्म को रोकने की कोशिश है और जुल्म को रोकने की कोशिश करना हम सब का दीनी और इंसानी फरीज़ा है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमारा एहतजाज कानून के दायरे में हो। हम ज़बरदस्ती किसी की दुकान बंद न कराएं। जो लोग अपनी मर्ज़ी से बंद कर लें उनको बंद करने दें, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती का रास्ता अख्तियार नहीं करें। हम रेलवे को रोकने और रेलवे ट्रैक को जाम करने से बचें, इसी तरह सड़कों को जाम करने से और बसों की गाड़ियों की आमदोरफ्त को।